हमने लोगों से अच्छी बात कह दी, हमने फला के सामने फला की तारीफ कर दी, फिर दूसरों के सामने जाकर उन्हीं की बुराई करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, लोगों को दिखलाने के लिए हम अच्छे से अच्छे अमल क्या करते हैं, लेकिन जब तन्हाई में होते तो बुरे अमल करना शुरू कर देते हैं। अल्लाह फरमाता है मोमिनों की पहचान ही है कि जब लोगों के सामने रहे तब भी अच्छा अमल करें और जब तन्हाई में रहे तो भी अच्छा अमल करें। मेरे प्यारे साथियों, हम लोग दिखलाने के लिए नमाजें पढ़ते हैं, लोगों को दिखलाने के लिए रोजा रखते हैं, इसलिए कि रमजान का महीना है, सब रोजेदार है। मैं अगर रोजे ना रखूं तो फला मोहल्ले से आवाज आएगी, मेरी बदनामी करेंगे लोग, मुझे बुरे लकब से लोग पुकारेंगे और कहेंगे कि फला रोजा नहीं रखता है। हमने लोगों को दिखलाने के लिए वक्ती तौर पर कुछ नहीं खाया, लेकिन जैसे घर के अंदर दरवाजे में प्रवेश किए, बंद कमरे में दरवाजे की छिलनियां लगाए, हमने दरवाजे को बंद कर दिया और दरवाजे में घुसकर हम पानी पी रहे हैं, हम खाना खा रहे हैं, यानी लोगों के सामने अच्छा बनने के लिए हमने कुछ नहीं खाया, लेकिन जैसे तन्हाई के शिकार हुए, तन्हाई में गए तो हमने कुछ खा लिया। अल्लाह फरमाता है आई ईमान वालों, जहां कहीं भी रहो जैसा डरना चाहिए वैसा डरो। या अय्युहल्लज़ीन आमनु तक़ुल्लाहा, ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो। आओ उस वाकये की तरफ। एक चरवाहा था, अब्दुल्लाह इब्ने उमर के जमाने में एक चरवाहा था, बकरियां चराया करता था। उस जमाने में लोग बकरियां चराया करते थे, आज भी बहुत से लोग बकरियां चराते हैं, लेकिन वो माहौल कसरत से नहीं पाए जाते हैं। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा है, अब्दुल्लाह इब्ने उमर का गुजर उसी जंगल से हुआ, उसी पहाड़ के पास से हुआ, उनके साथ उनका गुलाम भी है। उनका गुलाम का कहना है, वो लिखते हैं कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर अपने दस्तूर के मुताबिक जब भी खाना खाने बैठते थे तो किसी आदमी को बुला लिया करते थे। हम और आप मेहमानों से डरते हैं कि मेहमान आ गए उनको खिलाएंगे तो हम क्या खाएंगे, लेकिन उनका दस्तूर था जब भी खाने के लिए बैठते थे तो किसी आदमी को बुलाते थे और अपने दस्तरखान में बिठाते थे। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने उस चरवाहे से कहा, ऐ चरवाहा तुम आ जाओ हमारे दस्तरखान में बैठ जाओ, शामिल हो जाओ और हम जो खा रहे उसी में से कुछ खा लो पी लो। चरवाहे ने कहा इन्नी सवाइमुन, मैं रोजे से हूं, मैं नहीं खा सकता। अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ, ये पहाड़ में बकरियां चरा रहा है, लू इतनी तेज है, सूरज की तपिश इनको गर्मा गर्म कर रही है, ये पसीने से शराबुर है, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, ऊपर से लू चल रही है, लू तेज है, सूरज की तपिश है, सूरज की रोशनी, सूरज की किरणें बहुत तेज है, और ये इंसान ये चरवा कहता है कि मैं रोजे से हूं, इनकी आजमाइश करने के लिए, इनका इम्तिहान लेने के लिए कि देखे कि ये चरवाहा कितना खौफ इलाही रखता है, इन चीजों की आजमाइश करने के लिए, इम्तिहान लेने के लिए। काय चरवाहा तुम बकरियां चरा रहे हो, इन बकरियों में से एक बकरी हमें बेच दो, एक बकरी हमें दे दो। रेवर में बकरियां बहुत सारी थी, कहे एक बकरी हमें दे दो। कहा अजनबी आदमी, मैं नहीं जानता कि आप कौन है, लेकिन सुनिए ये बकरियां मेरी नहीं है, ये बकरियां मेरे मालिक की, मेरी आका की बकरी है, मैं इसे बेच नहीं सकता। अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा कैफला, अय चरवाहा तुम एक बकरी मुझे बेच दो, मैं उसको जिबा करूंगा, काटूंगा, उसका खाल उदाड़ूंगा और जंगलों में फेंक आऊंगा, उनकी हड्डियों को, उनके चमड़े को जंगलों में फेंक दूंगा। तुम अपने मालिक से कह देना कि एक बकरी भेड़िया खा गई है, और रोजाना बकरियों के डेवर से एक दो बकरियां गुम हो ही जाती, तुम अपने मालिक से कह देना, मालिक तुम्हारी बात मान जाएगा। चरवाहे ने कहा अजनबी आदमी, तुम मुझे चोरी करना सिखलाते हो, सुनो अगर मैं अपने मालिक को कह दूं कि एक बकरी भेड़िया खा गई तो मेरी बात मान भी जाएगा, वो मान जाएगा, लेकिन सुनो उंगलियां आसमान पर उठाए हुए और उस जगह से गुजर रहे और ये कहते जा रहे आइन अल्लाह आइन अल्लाह। अय अजनबी आदमी ये बताओ कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कहाँ है। मैं अपने मालिक को तो धोखा दे सकता हूँ,
लेकिन अपने मालिक के मालिक को कैसे धोखा दे सकता हो। वो मालिक तो आसमान से भी मुझे देख रहा है, साथ ही आसमान के ऊपर से मुझे देख रहा है। पहाड़ों में कोई चींटी अगर चल रही है उनकी आहट को भी वो सुनता है। वो मालिक को मैं कैसे धोखा दूंगा, इस दुनिया में मैं अपने मालिक को धोखा दे सकता हूँ। मेरा मालिक मेरी बात मान भी सकता है, मुझ पर इतना उनका भरोसा है, लेकिन मैं उस मालिक के मालिक को क्या जवाब दूंगा। तो मेरे प्यारे साथियों, पहाड़ों में बकरियां चरा रहे हैं, एक बकरी उनसे कोई खरीद रहा है, फिर उनको ये भी बता रहा है कि उन बकरियों के चमड़े को मैं जंगलों में फेंक दूंगा, तुम इनकी कीमत ले लो, नकद कीमत ले लो। वो चाहता तो उस आदमी अपनी बकरी को बेच सकता था, कुछ पैसा भी मिल जाता, अपने मालिक को धोखा भी दे सकता था, लेकिन जंगलों में रहकर खौफ इलाही देखिए अल्लाह से कितने डरने वाले थे, अल्लाह से कितने डरने वाले, खौफ इलाही उनके दिल में कैसा था। जंगलों में रहकर भी अल्लाह का डर उनके दिल में है, जंगलों में रहकर भी अल्लाह का खौफ उनके दिलों में है। तो मेरे प्यारे साथियों, अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने कहा, ऐ चरवाहा, तुम किसी की गुलाम हो, और गुलाम जब किसी मालिक के पास रहता है तो मालिक के अंडर में होता है, मालिक से वो इजाजत लेता है नमाज पढ़ने की, मालिक से वो इजाजत लेता है यहाँ जाने की, वहां जाने की, इबादत करने की। जब कोई किसी इंसान के पास, किसी मालिक के पास गुलामी करेगा, वो पूरी तरीके से अल्लाह की इबादत नहीं कर सकेगा, नमाज नहीं पढ़ सकेगा, रोजा नहीं रख सकेगा। वो उसकी मालिक के पास चला और उनके मालिक से कहा, फला तुम इस गुलाम को बेच दो, तुम इस गुलाम को बेच दो। जो भी रकम तय किया उसके बाद गुलाम को खरीद लिया और खरीद कर गुलाम को आजाद कर दिया, जितनी बकरियां थी खरीद ली और खरीद कर उस गुलाम को दे दिया। मेरे भाई, तो इस दुनिया में भी उनका नतीजा मिला और उस दुनिया में भी उनको नतीजा मिलेगा। तो ईमान वालों की पहचान यही है कि जंगलों में रहे, समंदर में रहे, कोठियों में रहे, अलमारियों में बंद रहे, चाहे किसी भी जगह में रहे, उनके दिल में खौफ इलाही होना चाहिए, उनके दिल में अल्लाह का खौफ होना चाहिए, तकवा होना चाहिए। लेकिन हम और आप लोगों की नजर में अच्छा बनने के लिए मुंह किसी के मुंह पे बुरा अच्छाई कर दिए, उनकी तारीफ कर दिए, फिर जब थोड़ी देर और आगे गुजरे तो उनकी बुराई करना शुरू कर दी, उनके खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिए। यही होता है मेरे भाइयों, यकीन जानिए, आप जहां कहीं भी रहें आपके दिल में खुदा का डर होना चाहिए। अब आइए, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को यह गौर करना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है। जब कोई इंसान, कोई लड़का, कोई स्टूडेंट मैट्रिक का एग्जाम देने के लिए जा रहा है तो पहले ही से 8-10 महीना पहले से उनकी तैयारी करता है। जब कोई इंसान ये सोचता है कि मुझे इतनी बिल्डिंग बनानी है, मुझे इतना मकान बनाना है, प्रॉपर्टी करना है, तो उसकी तैयारी वो पहले ही से करता है। लेकिन हमें जन्नत मिल रही है, इतने नियामत वाली जगह हमें मिल रही है। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप इनकी क्या तैयारी कर रहे हैं। इसलिए अल्लाह फरमाता है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, हर इंसान को ये गौर करना चाहिए कि उसने कल कयामत के दिन के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है। हम और आप बेटी की तैयारी में लग जाते हैं, मेरा खुद मकान बन गया, बिल्डिंग बन गई, इमारत बन गई, फिर ये सोचते कि अपने बेटे के लिए कुछ जमीन खरीद कर रखे हैं, जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो मेरा नाम करेगा कि मेरे अब्बू ने इतनी जमीन खरीदी, मेरे अब्बू ने इतनी बिल्डिंग बनाई। लेकिन हमने आखिरत के बारे में कभी नहीं सोचा, आखिरत के बारे में गौर नहीं किया कि हम तो इस दुनिया से चले जाएंगे, ये बिल्डिंग हमारी रह जाएगी, ये जमीन हमारी रह जाएगी। हमने आखिरत के लिए कौन सी तैयारी कर रखी है, कौन सी तैयारी कर रखी है।